देखिए फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी और यम्मी टेस्टी मैंने चिकन चीज कबाब बनाए हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए कितने माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। चलिए फटाफट इसकी रेसिपी बनाते हैं, चिकन चीज कबाब की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज हम बनाएंगे चिकन चीज कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन बोनलेस लिया है। मेरे पास बोनलेस नहीं था तो मैंने चिकन हड्डी वाला जो था उसको मैंने बॉईल करके इसके हड्डी अलग कर दिए है और फ्लैश अलग कर दिया है। तो ये मैंने बॉईल करके चिकन रेडी रख लिया है। 3 उबले आलू लेंगे और ये थोड़ा सा मसाला है जिसको रफली ग्राइंड करके ले लेंगे विदाउट वाटर। थोड़ा जिंजर और गार्लिक लिया है मैंने, 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक और दूसरी हिसाब में मैंने लहसुन की कलियां ली है, 5 हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है। और सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अरे मैंने 4-5 चीज स्लाइस ली है, आप दूसरा कोई चीज हो आपके पास वो भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑरिगानो लिया है और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये मैंने 3 स्लाइस व्हाइट ब्रेड के लिए हैं, आप चाहिए तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसको हम मिक्सी में पीस के इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। 1 अंडा लेंगे और नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे। चलिए सबसे पहले मसाला ग्राइंड करके रेडी रख लेते हैं और ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा मसाला भी ग्राइंड हो गया है, इसमें मैंने कोई भी पानी यूज नहीं किया है। इसको भी बाउल में निकाल लेंगे और चिकन को थोड़ा पीस लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन भी पीस गया है, चिकन कीमा बन के तैयार हो गया है, एकदम बारीक पीस लिया है मैंने। इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। और अभी आलू चाहिए तो आप ग्रेट करके ऐड करें या मिक्सी में पल्स में उसको पीस लें। देखिए फ्रेंड्स हमारा सारा मसाला बनके रेडी हो गया है, अभी इसको खाली मिक्स करना है हमको। तो मैंने आलू को भी पल्स रेट में बंचालू करके मिक्सी में पीस लिया था। मसाला भी रेडी है, ब्रेड क्रम्स भी बन गए हैं और चिकन भी मैंने पीस लिया है। अभी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और ओरिगानो डाल देंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने अंडा को भी ब्रेक करके रख लिया, इसमें हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है, इसको भी बीट करके रेडी रख लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और रेडी है अभी कबाब बनाने के लिए इसका। और मैंने 1 चीज स्लाइस लिया है, उसको मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे। चलिए अभी कबाब बनाते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और एक छोटा सा हमारा बैटर ले लेंगे और इसमें अभी हम चीज रखेंगे। मैंने चीज रख दिया है बीच में और अभी इसको अच्छे से अंदर पैक कर देंगे चीज को। हल्का सा फ्लैट कर देंगे और ये हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है। ऐसे सारे बना के रेडी रख लेते हैं पहले, फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे सारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। ये मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है और ऑयल भी हमारा ऑलमोस्ट गरम हो गया है। मीडियम ऑयल रखना है हमको, मीडियम हॉट ऑयल लगेगा। ये मैंने अंडा बीट करके रख लिया है, हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था मैंने इसमें और थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अभी एक कबाब ले लेंगे और इसको अंडा में डिप कर लेंगे।
और उसके बाद में इसको ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। देखिए अच्छे से हमारा कबाब ब्रेड क्रम से कोट हो गया है और अब इसको तेल में डाल देंगे, फ्राई करेंगे और कबाब को अभी पैन में डाल देंगे। एक पैन में जितने अच्छे से आ जाए उतने आप पैन का साइज के हिसाब से आप कबाब इसमें डालिए फ्राई करने के लिए और अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे इसी तरीके से सारे कबाब। ये देखिए मेरा पैन में खाली चार ही आए हैं तो हम इसको चार को ही डाल के फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डाल देंगे नहीं ताकि पलटने अलटने में हमको बहुत ये टाइम लग जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करके फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे कबाब अच्छे से पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और अब इसको निकाल लेंगे और बाकी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे के सारे चिकन चीज कबाब बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। ये देखिए बहुत ही यम्मी बने हैं और एक डिप तैयार कर लेते हैं। हमारे कबाब के लिए मैंने मेयोनीज लिया है और थोड़ा सा हम इसमें सॉस डाल देंगे, आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं आपके पसंद का। ये मैं चिल्ली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरे हमारे डिप बन के तैयार हो गई है, चलिए अभी सर्व करेंगे हमारे चिकन चीज कबाब को फटाफट गरम गरम। देखिए हमारे डिप तैयार हो गई है, बस अभी कबाब हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। हमारे कबाब बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी है और मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, अरे देखिए मैंने एक कबाब कट किया है, चीज़ कितना अंदर अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ही डिलीशियस बहुत ही टेस्टी बने हैं और आप इसको इससे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस कबाब बने हैं हमारे। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी कबाब है। चिकन चीज कबाब की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल बटन भी दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।